नमस्कार, द न्यूज टॉक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। उससे पहले छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। आम जनता के लिए बड़ी खबर, नेपाल से आ रहे 5 टन टमाटर। NCCF ने कहा कल से यूपी में 50 रुपए किलोग्राम के भाव पर होगी बिक्री। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और एनडीए के साथी दल भी पहुंचे। राकंपा प्रमुख शरद पवार बोले, सरकारों को अस्थिर कर रही भाजपा, मणिपुर को लेकर कही बड़ी बात। भारतीय सेना बढ़ा रही ताकत, 6,600 करोड़ रुपए की 68 योजनाओं पर किए गए हस्ताक्षर, 34 योजनाएं अंतिम चरण में। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, अगली बार प्रधानमंत्री मोदी घर से करेंगे झंडारोहण। AIADMK नेता का पलटवार, पूरा भारत मोदी का घर। पहाड़ों से नीचे खिसक सकते हैं शिमला, कुल्लू और सोलन जैसे शहर, हिमाचल की मिट्टी में आई जबरदस्त नमी। मोदी कैबिनेट की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, 100 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, कैबिनेट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अतिक्रमण कार्यों को फौरी राहत, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिन की रोक। अजीत पवार इतने बड़े नहीं कि शरद पवार को ऑफर दे, केंद्र में जगह देने की पेशकश को लेकर संजय राउत का निशाना। जब तक लूटे गए हथियार बरामद नहीं होते तब तक राज्य में नहीं आएगी शांति, बोले कांग्रेस सांसद गोगोई। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश से आई आपदा, में अब तक मारे गए 52 लोग, 37 घायल, राज्य को 650 करोड़ का नुकसान। सीएम योगी बोले, देसी नहीं दुनिया भर में होगी यूपी फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की पहचान। आगामी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, राजदूत ने की पुष्टि। असम में सभी विधानसभा क्षेत्रों में उप जिले बनाए जाएंगे, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। शिमला में समरहिल में मलबे से निकाले गए 14 और सौ, SDM बोले अभी और बॉडी होने की आशंका, तलाशी अभियान जारी। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली, पूर्व PM वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, कहा अटल जी के लिए आया हूं। टेक कंपनियों में छंटनियां जारी, अगस्त महीने तक 2.26 लाख कर्मी निकाले गए, 2022 से 40% ज्यादा। भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू, रक्षा विनिर्माण से जुड़ी कंपनी बोइंग ने कहा। अटल बिहारी को विदेश मंत्री जयशंकर ने दी श्रद्धांजलि, कहा आपका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। बड़ी अपडेट, चंद्रयान 3 ने पूरी की कक्षा बदलने की आखिरी प्रक्रिया, अब चांद की सतह से बहुत कम दूरी पर हुआ स्थित। महाराष्ट्र में पाकिस्तानी झंडे की क्लिप लगाने पर 2 छात्र गिरफ्तार, पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। नेहरू मेमोरियल नाम विवाद, कांग्रेस सांसद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा विचार काबिले तारीफ। अमेरिकी सांसद ने आज की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, सैन्य उद्योग हिस्सेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। शरद पवार अजीत पवार के बीच गुप्त बैठकों से MVA में बड़ी चिंता, कांग्रेस ने बताया परेशान करने वाला। 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, कानून मंत्री बोले इसके लिए रोडमैप जरूरी, कानून का शासन लोकतंत्र की नींव। नेहरू मेमोरियल पर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा उनके लिए केवल नेहरू मायने रखते हैं। असम के 5 जिलों में 46,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, ओडिशा में परेड मैदान से फर्जी जवान गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिली धरती, आया 3.4 तीव्रता का भूकंप, जानमाल का नुकसान नहीं।
कांग्रेस का प्रधानमंत्री की ईएसी के प्रमुख पर पलटवार, कहा संविधान को खत्म करने का बिगुल फूंक दिया। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने की शिरकत। दिल्ली और एनसीआर सहित अन्य इलाकों में बारिश का अनुमान, 1 जून से देश में 4% कम वर्षा। चुनाव परिणाम पलटने के मामले में जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने ट्रंप को माना दोषी, 18 अन्य पर भी साजिश का आरोप। सीजीआई चंद्रचूड ने न्यायपालिका को समावेशी बनाने पर दिया जोर, न्याय तक सर्व सुलभ पहुंच को लेकर कही बड़ी बात। मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 3000 पूर्व निर्मित घर बना रही सरकार। माटी कल्ला बोर्ड को प्रोत्साहन देगी योगी सरकार, आर्थिक अनुदान की दूसरी किस्त जारी होगी। सीएम शिवराज सिंह बोले, हमीदिया कॉलेज की नई बिल्डिंग बनेगी, नए संकाय भी शुरू करेंगे। उत्तराखंड में टीएचडीसी में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही जंग के साथ सीएम योगी से वार्ता करेंगे धामी। दिल्ली विधानसभा सत्र हुआ शुरू, राज्यपाल ने जताई आपत्ति। बड़ी खबर, ममता बनर्जी बोली, उज्जवल इंडिया के लिए मतभेदों से ऊपर उठे। हिमाचल में शिमला मंडी में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, बाधित बिजली पानी योजनाओं को बहाल करने का निर्देश। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, अलवर विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने दिया धरना। आर्टिकल 370 पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलीलों ने भाजपा को किया बेनकाब। झारखंड में सीएम सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया बड़ा ऐलान, अबुआ आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मिलेंगे घर। यमुनानगर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसान को मिला धमकी भरा पत्र, मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। सीपी जोशी बोले, चुनाव आने लगा तो कांग्रेस को श्री राम याद आने लगे, ये लोग ही कहते थे राम काल्पनिक। आम आदमी पार्टी ने एमपी में शुरू की तैयारी, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 20 अगस्त को रीवा में करेंगे रैली। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विरोध के बावजूद पास हो गए 3 बिल। पानीपत में तिरंगा यात्रा की आड़ में जामा मस्जिद में घुसी भीड़, जमकर मचाया उत्पात, विशेष समुदाय में भारी रोष। वहीं रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह को फिर बनाया निशाना, मार गिराए 13 शाहिद ड्रोन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री गुप्ता का मोदी सरकार पर तंज, झारखंड में हम करेला कुटकी और नीम का घूंट पी रहे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।